हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमें काफ़ी टाइम से फीडबैक मिल रहा था कि मार्केटिंग के ऊपर और कंटेंट करिए, और स्पेशली जो है वो आप मार्केटिंग के जो वेरियस मीडियम्स होते हैं उन पे बताइए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लेलिस्ट पे हम उस टॉपिक को ऐड करने जा रहे हैं। मार्केटिंग में मार्केटिंग वन का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 37 है। तो 36 वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें आउट ऑफ 12 10 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। इसको दो टॉपिक्स में, दो मतलब वीडियोस में मैं कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मतलब टॉपिक पे जाने से पहले, कम्युनिकेटिंग क्यों ज़रूरी है? अभी तक हम बात कर रहे थे कस्टमर वैल्यू क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के तरीके। अब आपने बना दिया बहुत कुछ, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों को तो पता कैसे चलेगा? वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। वो आपने बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, आपने मतलब ऐसा खाना आपके रेस्टोरेंट में बनता है जो कहीं और नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कस्टमर्स को बताएंगे नहीं, चाहे वो पैम्पलेट्स के थ्रू हो, चाहे आपके लोग जाके उसको प्रमोट करें, चाहे कुछ आप उसके लिए छोटी सी ऐड रन करें, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आई है? इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें जो है एक टॉपिक आता है प्रमोशन मिक्स, जिसको मार्केट कम्युनिकेशन मिक्स भी बोला जाता है। तो ये जैसा कि नाम बता रहा है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो अलग अलग तरीके हैं उसका मिक्स है। स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ प्रमोशन टूल दैट कंपनी यूजेस टू परसुएसिवली कम्युनिकेट कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब ब्लेंड है टूल्स का बहुत सारे। देखिए, कोई भी कंपनी एक ही चीज़ नहीं करती ना। कोका कोला है, आपको उसके बोर्ड्स लगे हुए भी दिखेंगे, आपको ठंडा मतलब कोका कोला, आपको उसकी एड भी दिखेगी, आपको उसके पैम्पलेट्स भी दिखेंगे, आपको उसके होर्डिंग्स भी दिखेंगे, फिर बहुत सारे उसके सेल्स वाले भी हैं जो जाके दुकानों पे उसको बेच रहे होंगे। तो अलग अलग प्रमोशन टूल कंपनी यूज़ करती है ताकि वैल्यू को कम्युनिकेट करे और रिलेशनशिप को बिल्ड करे। और इस पर्टिकुलर यूनिट में हम उन अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे। मेजर प्रमोशन टूल्स जो, तो ये पांच हैं, जिसको कुछ को हम आज करेंगे, कुछ को नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। पहला कहलाता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा कहलाता है सेल्स प्रमोशन, थर्ड होता है पर्सनल सेलिंग, फोर्थ होता है पब्लिक रिलेशंस या पीआर, और फिफ्थ होता है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्टाइजिंग, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया गुड सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। बहुत सिंपल है। टीवी आप चलाते हैं, मैच देखने बैठे हैं, बीच में ऐड आ गई, क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। आप न्यूज़पेपर खोल रहे हैं, खबरों के साथ साथ आप देखेंगे आधे पेज पे, क्वार्टर पेज पे कोई ऐड बनी हुई है। न्यूज़पेपर आपने उठाया, उसके अंदर एक पर्चा या पैम्पलेट निकल आया, क्या है यह सब कुछ? ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट है। उसमें वो आइडियाज़, गुड सर्विस, उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आपके पास कॉल आती है, एडवर्टाइजिंग है, सब कुछ मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ड्राइव होता है। अब जो एडवर्टाइजिंग है उसमें क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं, तो सबसे पहले जो डिसीजन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है दोस्तों कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स और सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, मतलब आप मार्केटिंग में है, बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के वो चीज़ रन नहीं हो सकती। और उसमें दो स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मुझे क्या ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हमने बताया ठंडा मतलब कोका कोला, एक एग्जांपल लिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसमें हमने क्या मार्केटिंग एग्जेक्ट वो लिया, लेके चले कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिकेशन हमने लिया है। दूसरा, उसका सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हो, आपके जो कंपनी के हेड होंगे, CFO CEO होंगे, सबसे पहले कहेंगे इसकी ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिलेगी। वो कैसे निकलते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव। आप कहेंगे हम ये कैंपेन रन करेंगे, 30% सेल्स ग्रोथ आएगी, पिछले साल 1000 करोड़ किया था, अब की बार 1300 करोड़ करेंगे, उसको कहते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आप बजट डिसीजंस, बजट डिसीजंस में आप अप्रोच लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉम्पिटिटिव पैरिटी, ऑब्जेक्टिव टास्क, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। एक होता है अफोर्डेबल अप्रोच, आपकी P&L स्टेटमेंट कंपनी की क्या अलाउ करती है। हर कंपनी जो है, देखिए मार्केटिंग जो है ना, आप खर्चा तब कर सकते हैं जब आप कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, या आपकी ये स्ट्रैटेजी हो कि अभी मैं कस्टमर्स को एक्वायर करूंगा, जो मोस्टली स्टार्टअप करते हैं, हो सकता है अभी मैं लूज करूं, लेकिन उससे मैं नए कस्टमर्स को एक्वायर करूंगा। बहुत सारी कंपनीज में मार्केटिंग बजट परसेंट ऑफ सेल्स में होता है। जो मेरे फ्रेंड्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट या वर्केक्स में काम कर चुके हैं उनको पता होगा 3% का है। कोई आपसे कहेगा बजट, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास बजट जो है वो 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। आपकी कंपनी में फिक्स फॉर्मूला है, जितनी सेल्स होगी उसका परसेंट ऑफ सेल्स में आप लेके चल रहे हैं।
अब इसके बाद दोस्तों दो डिसीजंस लेने होते हैं, मैसेज डिसीजंस और मीडिया डिसीजन। मैसेज डिसीजन क्या होगा कि मेरा मैसेज की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या एग्जीक्यूशन होगी, और मीडिया में क्या इम्पैक्ट एंगेजमेंट में देख रहा हूँ, कितना एंगेज होने चाहिए लोग, कितने इंप्रेशन आने चाहिए, मीडिया टाइप्स अलग अलग क्या क्या होंगी, रेडियो पे करूँगा, FM पे करूँगा, TV पे करूँगा, प्रिंट पे करूँगा, मीडिया व्हीकल्स क्या क्या होंगे, टाइमिंग क्या क्या होंगी, क्या मैं स्लॉट्स लूँगा। और इसके बाद दोस्तों ये सब आपने कर लिया, फिर आपको इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है, आपका कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट आया, क्या जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे अब लोग उसको रिलेट कर पाए हैं। आजकल आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, जिनमें ये माना जाता था कि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए लोग उसको अनहेल्दी कहते थे, राइट। आजकल जो है वो आपकी पेप्सी को ऐसे वेरिएंट्स लेके आई हैं जिसमें कहते हैं कि ये डाइट वाला चीज़ है या ये ज़ीरो एडिड शुगर है। तो वो क्या है कि आपने कम्युनिकेशन करना चाहा, सेल्स एंड प्रॉफिट पर उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो जो आप टारगेट लेके चले थे कि मैं ऐड करूँगा उससे मेरा बिजनेस इतने से इतना ग्रो होगा, क्या वो हुआ या नहीं हुआ, और रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग जो मैं कह रहा था, रिटर्न आपके पास कितना आया, ये सब कुछ आपको एडवर्टाइजिंग के डिसीजन में हेल्प करता है। सेकेंड दोस्तों तरीका कहलाता है पब्लिक रिलेशंस, जिसको कि PR भी बोला जाता है। वो क्या होता है, बिल्डिंग गुड रिलेशन विद कंपनीज वेरियस पब्लिक्स बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी, बिल्डिंग अप गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड हैंडलिंग और हेडिंग ऑफ अनफेवरेबल रूमर स्टोरीज एंड इवेंट्स। आप जब एक उसमें काम करते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे मतलब कहते हैं ना, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको उसमें मत लीजिएगा, कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा एक अच्छा एम्प्लॉयर है, तो मतलब उसने अपनी एक ब्रांड इमेज अच्छी क्रिएट की हुई है, तो आपने लोगों की उसमें कैसी इमेज क्रिएट की। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे आप अच्छा वो कर सकते हैं। आज के टाइम में कंपनियाँ जो हैं वो CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, कंपनी सोशल काम कुछ करती हैं, कंपनी ऐसी चीज़ों को यूज़ करती है जो कि इको फ्रेंडली हो, वो सब कुछ कंपनी किस लिए कर रही है, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए। और साथ साथ PR में अपनी इमेज को इम्प्रूव करना भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि अनफेवरेबल रूमर आपके बारे में चल रहे हैं, कोई अनफेवरेबल स्टोरी चल गई, उसको आप कैसे कंट्रोल करें। टिपिकल एग्जांपल है, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले मैगी के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी फैल गई थी, नेस्ले ने उसको इतने अच्छे से हैंडल किया, मतलब एक टाइम लोगों के मन में यह ख्याल आ गया था कि हम बचपन से बहुत अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं, बट उसको टोटली टर्न अराउंड किया उन्होंने, PR को अच्छे से उस चीज़ में हैंडल किया। PR के ये अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, प्रेस रिलेशंस और प्रेस एजेंसी, अलग अलग प्रेस और मीडिया हाउसेज होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में अच्छी खबर छपे, या अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो वो उतना बड़ा चढ़ा के ना, सेम न्यूज़ को आप अगर TV ऑन करेंगे ना, तो आप एक चैनल पे देखेंगे उसको अलग वे में बताया जा रहा है, दूसरे को दूसरे में बताया जा रहा है, ये सारा सब कुछ मीडिया हाउसेस के हाथ में होता है, तो वो ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड पब्लिसिटी, आप अपने प्रोडक्ट और ब्रांड की कितनी अच्छे से पब्लिसिटी कर सकते हैं। पब्लिक अफेयर्स में आप कैसे, कोई मान लीजिए इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया, उसमें आसपास के चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हैं, लॉबिंग जो लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट उस एरिया में है उनके साथ करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप मारुति का एग्जांपल ले लीजिए, क्यों मतलब उसको पॉलिटिकल वजह से जो है उसको एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट पर मूव करना पड़ा। इन्वेस्टर रिलेशंस, आपकी कंपनी में अलग अलग लोगों से, अलग अलग यूनिट से इन्वेस्टमेंट आई हुई है, उनसे आप कैसे रिलेशंस करते हैं, आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, ये सब कुछ जो है पब्लिक रिलेशंस का पार्ट होता है। थर्ड आता है दोस्तों पर्सनल सेलिंग, पर्सनल प्रेजेंटेशंस बाय फर्म सेल्स फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजिंग कस्टमर, मेकिंग सेल्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। इसको कहा जाता है सबसे पुराना तरीका, आज भी आपको ध्यान होगा या आज भी आप एक्सपीरियंस करते होंगे, आपकी डोरबेल बजती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो एक सेल्समैन खड़ा है, सर हमारी कंपनी में नए प्रोडक्ट्स आए हैं प्लीज़ देखिए। ये तो हो गया डोर टू डोर सेलिंग का, कंपनी सेल्स टीम को रखती है, वो बेसिकली क्या है, वो पर्सनल सेलिंग तो है। सिर्फ ऐड करने से कुछ नहीं होगा, जब तक उस एंड दुकानदार पे आपको एक बंदा जाके प्रोडक्ट को नहीं समझा रहा, कंपनी को नहीं समझा रहा, उसके बेनिफिट्स को नहीं बता रहा, तब तक सेल्स नहीं हो सकती। तो पर्सनल सेलिंग में ये सारा सब कुछ फर्म की सेल्स फोर्स वाला पार्ट आ जाता है। अब सेल्स फोर्स को हम, या सेल्स पर्सन बेसिकली कौन होता है, जो इंडिविजुअल है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और उनमें से अलग अलग एक्टिविटीज, प्रोस्पेक्टिंग, कंपनी के बारे में बताना कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, प्रॉपर कम्युनिकेट करना, सेल करना, बेचना। अब सेल तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत आ रही है तो सर्विसिंग, आप सामने वाला कहेगा यार मैं नई कंपनी से आया, प्रोडक्ट ले लें, मान लो कल को ख़राब हो तो आप कॉन्फिडेंस दो, सर खराब हुआ पूरी गारंटी मेरी आपको, मैं यू को यू रिप्लेस करके दूंगा, करेक्ट। तो वो सर्विस करना,
या दूसरा एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी है, एक बार गाड़ी आपने खरीद ली, उसके बाद भी सर्विस के आपके वो चलते हैं ना भाई, इतनी बार सर्विस है, आपने लिया वो अपने आप आपके पास ये चौथे महीने कॉल आ जाएगा, सर आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, इसकी ना सर्विस ड्यू होगी। तो आफ्टर सर्विस सेल्स देना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो ग्राउंड स्टाफ या सेल्स टीम होता है ना, वो कंपनी की ऑन ग्राउंड आईज होती है। हेड ऑफिस में बैठ के आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक्चुअल चीज़ क्या चल रही है वो ये सेल्स पर्सन बताता है जो जाके मार्केट में काम करता है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो, चाहे आप डीलरशिप में हो, रीसेलिंग में हो, जब तक आपके पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं है तब तक काम नहीं हो सकता। और ये रिलेशनशिप अगेन कौन बनाता है? सेल्स पर्सन। कई बार बंदा कंपनी से जुड़ता ही सेल्स पर्सन की वजह से है, और बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं कि सेल्स पर्सन छोड़ता है और वो कंपनी का मटेरियल लेना बंद कर देता है। तो ये क्या सब कुछ है? ये है दोस्तों रिलेशनशिप बिल्डिंग। लिंकिंग कंपनी विद कस्टमर्स, सेल्सफोर्स दो मेजर काम करती है, एक कंपनी को कस्टमर से लिंक करती है, क्रिटिकल लिंक है, क्योंकि रिप्रेजेंट कस्टमर ये कहेगा ना डीलर, देखिए मैं कंपनी को क्या जानूँ, हो सकता है आपकी 200 करोड़ की कंपनी हो, मेरे लिए तो जो बंदा आता है वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसी से मैं समझता हूँ, वही मुझे बताता है, उसी को मैं ऑर्डर देता हूँ। तो ये एक लिंक के तरीके से काम करते हैं। और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग मार्केटिंग एंड सेल्स, तो सेल्स फोर्स और मार्केटिंग फंक्शंस को काम करना चाहिए क्लोजली। मार्केटिंग हेड ऑफिस में बैठ के स्ट्रेटेजी बना रही है और सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट अलग है, नहीं काम चलेगा, हमेशा लिंकिंग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये लिंकिंग कैसे पॉसिबल है भाई, मार्केटिंग वाले फील्ड में रोज तो नहीं जा सकते, चले कभी कभी विजिट पर चले जाएंगे, ऐसे ही सेल्स वाले विजिट छोड़ के हेड ऑफिस में, आप जॉइंट प्लानिंग करिए। कोई भी आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, एक बार सेल्स के कुछ लोगों को रन थ्रू कर लीजिए, उनका फीडबैक ले लीजिए, जिससे कोऑर्डिनेशन हो सके मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने आपको देखा, आपने तीन मेथड्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है, जो कि है एडवर्टाइजिंग, PR यानी कि पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है सेल्स प्रमोशन, हम इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो में इस टॉपिक को समझाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी मेल ID miru.study@gmail.com पे लिखिए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगा आपको तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।